किसी समिति को अस्थाई मितव्याति समिति भी कहा जाता है। ऑप्शन ए लोक लेखा समिति, बी संयुक्त प्रवर समिति, सी नियम समिति और डी प्राकलन समिति। इसका उत्तर है प्राकलन समिति। वह समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है। ऑप्शन ए सार्वजनिक उपक्रम समिति, बी नियम समिति, सी प्राकलन समिति और डी लोक लेखा समिति। इसका उत्तर है प्राकलन समिति। लोकसभा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं। ऑप्शन ए 15, बी 22, सी 30 और डी 45। इसका उत्तर है 22। निम्न में कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है। ऑप्शन है लोक लेखा समिति, बी भारत का नियंत्रक एवं महालेखा, सी प्राकलन समिति और डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षा की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति है। ऑप्शन है आकलन समिति, बी लोक लेखा समिति, सी प्रवर समिति और डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है लोक लेखा समिति। भारत में न्यायपालिका का स्वरूप है। ऑप्शन ए विकेंद्रीकृत, बी एकीकृत, सी सामूहिक और डी व्यवहारिक। इसका उत्तर है एकीकृत। न्यायिक पूर्वलोकन का अधिकार किसे है। ऑप्शन ए उच्च न्यायालय, बी राष्ट्रपति, सी लोकसभा और डी उच्चतम न्यायालय। इसका उत्तर है उच्चतम न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय कौन सा प्रलेख जारी नहीं कर सकता है। ऑप्शन ए निषेध्या, बी प्रमादेश, सी प्रतिषेध और डी परमादेश। इसका उत्तर है निषेधाज्ञा। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। ऑप्शन ए 15, बी 16, सी 18 और डी 21। इसका उत्तर है 21। सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है। ऑप्शन ए सहायक अनुदान, बी आक्स्मनिधि, सी लोक लेखा और डी संचित निधि। इसका उत्तर है संचित निधि।